हेलो एवरीवन, मार्केट में इस वीक अच्छी रैली देखने को मिली जिसमें रीसेंट करेक्शन के बाद रिकवरी आई। एफओएमसी की डॉबिश कमेंट्री के बाद ज़्यादातर सेक्टर्स में प्रॉफिट हुआ। रियल एस्टेट, ऑटो और मेटल के स्टॉक सबसे ज़्यादा चले और अराउंड 5% तक बढ़े, पर एक्सचेंजर के वीक गाइडेंस के बाद आईटी सेक्टर 6% से ज़्यादा गिर गया। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है, जैसे निफ्टी मिड कैप इंडेक्स अपने 100 DMA से वापस ऊपर आ गया है। इस वीक मार्केट 2 दिन बंद रहने वाला है, होली पर मंडे को और गुड फ्राइडे पर फ्राइडे को छुट्टी रहेगी। इस वजह से ट्रेडिंग वॉल्यूम कम रह सकता है और मार्केट के क्यूज भी लिमिटेड होंगे। पर आगे कुछ बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, जैसे मार्च FNO एक्सपायरी और फाइनेंशियल ईयर एंड, जिनकी वजह से मार्केट में वॉलीटिलिटी बनी रह सकती है। टेक्निकली निफ्टी ने 21,700 के आसपास सपोर्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन 20 DMA जो कि 22,170 पर है, वहाँ एक हर्डल है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो ये शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकता है और निफ्टी को फिर ये 22,300 और 22,440 तक लेकर जा सकता है। अगर ये 50 DMA जो कि 21,940 पर है, इसके नीचे चला जाता है तो ये मार्केट में कमज़ोरी दिखा सकता है। ऐसे में हमें 21,700 और 21,500 वाले सपोर्ट लेवल्स को ध्यान में रखना होगा। बैंक निफ्टी अपने इम्पोर्टेंट 100 DMA से ऊपर रहा, लेकिन अब उसके सामने 47,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पर एक चैलेंज है, विच ऑल्सो कंसाइड विथ इट्स 20 DMA। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो ये शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकता है और ये 47,800-48,000 जोन तक जा सकता है। 46,400-46,000 का जोन इसका पहला सपोर्ट है। अगर ये इसके नीचे चला जाता है तो ये 200 DMA के आसपास 45,400 तक जा सकता है। ऑप्शंस डेटा में थोड़ी इम्प्रूवमेंट दिख रही है। पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड लेवल से बढ़कर 1.23 तक आ गया है, लेकिन FIIs का इंडेक्स फ्यूचर में अभी भी शॉर्ट एक्सपोजर हाई है, जो कि अभी 65% है। दिस एलिवेटेड शॉर्ट पोजिशनिंग सजेस्ट दैट देर इज स्टिल पोटेंशियल फॉर शॉर्ट कवरिंग रैली। एंड नाउ दिस वीक्स रिकमेंडेशन इज कार्बोरंडम यूनिवर्सल, जिसका स्टॉप लॉस होगा 1180 पर और टारगेट रहेगा 1400 का। So that's all for this week. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.